हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवांग आर्य। आज जो मैं आपको पैक बताने जा रही हूँ वो आपके चेहरे पर निखार लाएगा, आपकी पैच स्किन हटाएगा, मेलाज्मा हटाएगा और आपकी स्किन पे काफ़ी ग्लो भी करेगा, जो डार्क सर्कल पे आ जाते हैं उनको भी ठीक करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको लेनी है कॉफ़ी। कॉफ़ी आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिए, जो आप भी पीते हो, जो भी ब्रांड की आप पीते हो, नहीं भी पीते हो तब भी ले सकते हैं आप कोई भी ब्रांड की। तो ये मैंने लिया है एक चम्मच कॉफ़ी। ये लिए मैंने एक चम्मच कॉफ़ी, ये लिए मैंने एक कप कॉफ़ी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ले रही हूँ ये दूध, ये मलाई वाला दूध है। ये लिया मैंने आधा चम्मच, जितना एक अच्छा पेस्ट बन सके। और उसके बाद जो ले रही हूँ मैं वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र होता है। ये लिए मैंने आधा चम्मच कॉफ़ी, आधा चम्मच कॉफ़ी ली है। मैं सिर्फ फेस के लिए दिखा रही हूँ, आप चाहें तो आप अपने गर्दन पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिया है मैंने एलोवेरा जेल, ये लिया है मैंने आधा चम्मच एलोवेरा जेल। और उसके बाद जो तीसरा है वो लिया है मैंने ये हनी। हनी एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज माना जाता है, ये भी मैंने लिया है आधा चम्मच। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आपको एक पेस्ट बनाना है इसको, इस तरीके से पेस्ट बनाने के बाद अब इसको हमें अपने चेहरे पे लगाना है। रबर बैंड की मदद से हम आपके अपने बालों को सिक्योर करेंगे इस तरह। इस तरीके से हमें अपने बालों को सिक्योर करना है। सिक्योर करने के बाद हम इसको फेस पैक को अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें इस पे फेस पे एक मोटी लेयर बनाएंगे। मोटी लेयर बनानी है और आप गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं इसको सूखने के बाद आप अपने चेहरे को दिखाते हैं। देखिए मैंने इसको 10 मिनट लगाना है और ये मेरा फेस पैक जो है सूख चुका है। जब तक सूखे नहीं, स्किन ऐसा टाइट टाइट नहीं लगे तब तक आपको नहीं साफ करना है, रिजल्ट उसका मिलेगा नहीं आपको। और वाइटनिंग के साथ साथ ग्लोइंग भी स्किन लगेगी आपको। आप अपनी गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो मैं अपना चेहरा ना साफ करके वॉश करके दिखाती हूँ। और वॉश आपको कैसा करना है, ड्राई वॉश करना है, डायरेक्टली आपको फेस नहीं धुलना है। कोई भी हैंकी ले लीजिए, उसको पानी में डिप करिए और उसी से साफ कीजिए। मैं आपको अभी साफ करके दिखा दूँ कि किस तरीके से आपको साफ करना है। तो मेरा चेहरा सूख जाए उसके बाद मैं मिलती हूँ। मेरा चेहरा सूख गया है और बहुत टाइट होने लगा है, तो मैं आपको इसको साफ करके दिखाती हूँ। तो मैंने एक हैंकी लिया है, उसको अच्छे से पानी में डिप करके निचोड़ लिया। अब इस तरीके से आपको अपना फेस पैक ड्राई करना है, इस तरीके से, इस तरीके से आप साफ करेंगे अपने चेहरे को। ये देखिए जितना साफ होता जा रहा है चेहरा उतना ही ग्लो कर रहा है। इस तरीके से आप आपका चेहरा, ये आपका फेस टाइटनिंग भी करेगा, वाइटनिंग के साथ साथ ये टाइटनिंग भी करेगा। इस तरीके से आपको अपना पूरा चेहरा इस तरीके से साफ कर लेना है। एक दो बार साफ करने के बाद अच्छे से आपका निकल जाएगा और आप कोई भी मॉइस्चराइज अपने चेहरे को से यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से।
अपने यूज़ करना है। और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है। इसी तरह से आपको फेस पैक अप्लाई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।